है ना। सो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and displacement along the direction of force. Along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगा दिया है, तो फोर्स लगाने पर उसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का एक वेक्टर ले लिया जाए। वी शुड टेक द वेक्टर ऑफ वी शुड टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो इस डायरेक्शन में ले लिया जाए, और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एफ कॉस थीटा हुआ, और फिर इसी डायरेक्शन में ये वर्क करेगा, तो इस फोर्स ने इसे डिस्प्लेस किया। फोर्स तो हमने बहुत कुछ लगाया था, उसके दो कंपोनेंट थे, एक उसका कंपोनेंट ऊपर की ओर था, लेकिन क्योंकि हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से, ऊपर का कंपोनेंट एफ साइन थीटा हुआ, बाकी तो हमने नीचे आपको बता ही दिया है कि एक mg लगता है और ये पुल है, तो एक फ्रिक्शन लगता है, वो सबसे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर वो हम जब करेंगे अलॉन्ग में तो पता चल ही जाएगा कि दैट इज़ एक ये कंपोनेंट है, एक mg है, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगी कि नहीं बोलो, तो उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है कि क्या है। दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एफ एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्व टू एम जी, सो एन इज इक्व टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये कर चुके हैं कि नहीं बोलो, कि एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्व टू एम जी, तो एन इज इक्व टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और उसी एन का उपयोग हम कर लेंगे एफ के लिए, अगर ये चीज़ चल रही है तो एफ के इज इक्व टू म्यू के एन, सो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के, और एन की जगह रख देंगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हाउएवर दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, हमारे मतलब का तो वर्क डन है, क्योंकि हमें डिफाइन करना है, तो वर्क डन के लिए हम क्या करें, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट और इन टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So magnitude of component of force along the displacement and magnitude of displacement. So that is F cos theta into d. ये चीज़ हो गया। कुछ लोग इसे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है, या cos theta इसमें लगाओ या cos theta इसमें लगाओ, एक ही बात है, तो कहीं पर भी लगाया जा सकता है। Now यही work done का formula है, that is F d cos theta. अब जरा देखें इस चीज़ को और समझने के लिए, हम अभी वेक्टर के एडिशन को तो सीख चुके हैं और वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को सीख चुके हैं, नाउ वी विल कम टू वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अब हम तीसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो होता नहीं वेक्टर में, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर थ्री फिजिबल ऑपरेशंस इन वेक्टर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज अगेन ए काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आर थ्री, मल्टीप्लीकेशन आर थ्री ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि दो वेक्टर पे लगाए जाते हैं ऑन वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इन पे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दो या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो या लॉ ऑफ पॉलीगन क्लोज्ड पॉलीगन लगा दो, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। सो
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और एक वेक्टर, सो वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी अगर दो वेक्टर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच मैनर दैट वाट एवर आंसर कम्स इज स्केलर, तो दो वेक्टर को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उनका आंसर एक स्केलर है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे कि इसमें ए वेक्टर है और डॉट बी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा ए बी कॉस थीटा। इस चीज़ को समझें, और इसमें क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट आया, जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, वो क्या मिला आपको बताइए, क्या वो स्केलर मिला? सो आंसर इज स्केलर, सो रिजल्ट इज स्केलर। अब इसके बारे में समझेंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, और दैट इज ए बी साइन थीटा, और साथ में इसमें एक वेक्टर भी रहता है, ईटा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर आया, तो दिस इज, दोनों को समझेंगे, रिजल्ट इज वेक्टर। ये जो चीज़ अगली है, ये अगले चैप्टर बोलो, प्रोडक्ट है, अब इसे समझेंगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं, अब जब समझेंगे तो समझ में आएगा। यानी इसका रिजल्ट एक स्केलर है, इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, और इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पे आते हैं। ये तो जान लिया आपने, मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, डॉट, और इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये चैप्टर नंबर 6 में काम आएगा, और ये किस में आएगा, चैप्टर 7 में। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो इसे कैसे निकालें ना, अब देखो कि यहाँ पर एक वेक्टर ए है और हमें एक वेक्टर बी दिया है, सो दिस इज ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, सो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। कभी भी जब प्रोडक्ट निकालोगे तो उन दोनों वेक्टर को कोइनिशियल बना लो। एंगल कैसे पता करोगे इनके बीच का क्या है, कोइनिशियल बनाने के बाद जो इसमें छोटा एंगल हो वो एंगल लिया जाएगा, तो थीटा इज़ द स्मॉलर एंगल। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे दिया है और एक वेक्टर ऐसे दिया है, तो पहले इसको कोइनिशियल बनाओ। कोइनिशियल बनाने का क्या मतलब है, इस वेक्टर को खिसकाते हुए, इस वेक्टर को खिसकाते हुए यहाँ तक लाओ और इसको कोइनिशियल बना लो। तो ये जो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को खिसकाते हुए यहाँ लाओ, तो क्या ये अब कोइनिशियल बन गए हैं? और इनके बीच छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला, तो ये एंगल लिया जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, थीटा। अगर कोई कहे कि ये एक वेक्टर है और दूसरा ये ले लो बी,
और इनके बीच ये एंगल ले लो, तो क्या आप ले लोगी इनके बीच एंगल थीटा की, नहीं लोगी? ये लिया जाएगा, मेक वेक्टर को इनिशियल एंड देन टेक स्मॉलर एंगल, मेक वेक्टर को इनिशियल एंड टेक थीटा लेस देन 180 डिग्री, ऐसा लेना है, वही लेना है, टेक थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लेगा, ऐसा हमने कर लिया है, ठीक है, दो वेक्टर ले लिए। अब इसका इस पर छाया लो या प्रोजेक्शन, या इसका इस पर इफेक्ट लो, तो इस वेक्टर का इधर की ओर क्या प्रोजेक्शन है, यानी कंपोनेंट, भाई बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक इधर बनेगा और एक कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, तो हमें बी का प्रोजेक्शन यहाँ लेना है, तो बी का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, इसका हो जाएगा कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा, बुक में भी देखती जाओ, बुक में 6.1 फिगर है, तो उसे क्या लिखा जाएगा, बी कॉस थीटा, बी का इधर कंपोनेंट बी कॉस थीटा हुआ ना, इसका इधर प्रभाव, सो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा, क्या चीज लिखी बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा, ये हमने ले लिया। अब जरा देखो कि फिर इसका और इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके इनके मैग्नीट्यूड का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज़ हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर से देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन बनता है कि आप ए का बी की ओर प्रोजेक्शन ले लें, परपेंडिकुलर डाल दें, ए का भी तो प्रभाव लिया जा सकता है इधर की नहीं, और ये बी वेक्टर था, तो उसे कहेंगे ए कॉस थीटा, और इसका नाम पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, ऐसा भी बुक में किया हुआ है। तो ये जो ए कॉस थीटा है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कॉस थीटा। अब आप ए कॉस थीटा इंटू बी करो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो भी वर्क डन आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, और या पहले वाला केस कर लो तो भी तो वही बात आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक वेक्टर लो और दूसरे का उसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लो और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो क्या वही डॉट प्रोडक्ट होता है? मेरा कहने का मतलब है कि ए डॉट बी वेक्टर, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट ऑफ, क्या प्रोडक्ट है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर। कहने का मतलब है कि अगर मैं ए डॉट बी लूँ तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, यदि ए कॉस थीटा ले लिया पहले का प्रोजेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा तो भी बात बन जाएगी, या दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है, ए का मैग्नीट्यूड ले लिया और दूसरे का प्रोजेक्शन, कुछ भी करो तो क्या ये ए बी कॉस थीटा ही आएगा? बोलो, समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ 2i प्लस 3j प्लस 4k इज अप्लाइड, इतना फोर्स अप्लाई किया गया है ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg
एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड, और ये डिस्प्लेस हुआ बाय आई माइनस जे प्लस टू के मीटर, इतने न्यूटन का फोर्स लगाया गया और इतना डिस्प्लेस हुआ, सो दिस मच न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड. तो फाइंड वर्क डन, वर्क डन ये तो अलग अलग डायरेक्शन के हैं, क्योंकि आप देख लो आई जे एस के कंपोनेंट ही अलग अलग हैं और वो प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इसलिए सब अलग अलग हुआ कि नहीं. ये तो है नहीं कि इसका डबल हो या ट्रिपल हो, ऐसा करने से आ रहा है क्या, कि अलॉन्ग है क्या, जिधर जिधर आई है उधर ही तो नहीं है ना फोर्स, जिधर डी है उधर ही तो नहीं है ना फोर्स. बोलो, डबल ट्रिपल करने से आता तो फिर वो उधर ही माना जाता. अब जरा देखो, तो वर्क डन क्या माना जाएगा, क्या एफ डॉट डी, बोलो एफ डॉट डी, इतनी बात हो गई कि नहीं. ओके, एक तो ये मतलब है, और या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए और उनके बीच का एंगल ले लिया जाए, तो हमें ये मालूम है क्या इसे एफ डी कॉस थीटा भी कहेंगे. बोलो, तो इसे एफ डी कॉस थीटा भी कहेंगे. अब यहाँ तक बात हो गई, अब मुझे एफ के लिए क्या करना चाहिए बताओ. तो F निकालना है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो क्या पहले ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और प्लस एफ जेड स्क्वायर, यानी किसी भी अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो उनके आई जे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ें हैं उनका स्क्वायर करके रूट सम करके रूट निकाला जाए, कि फिर से बता दें, बताओ याद है. तो फिर हम इसमें क्या कर दें, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, एफ जेड है, तो ये टू का स्क्वायर, ये थ्री का स्क्वायर, और ये क्या है फोर का स्क्वायर, इसका रूट लो तो क्या आ जाएगा, फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, तो फोर प्लस नाइन थर्टीन हुआ, थर्टीन प्लस सिक्सटीन कितना हुआ, रूट ट्वेंटी नाइन न्यूटन, यही फोर्स हो गया. डी निकालो, तो डी कैसे निकालोगी, दैट इज रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर, जहाँ डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के थे, तो हमने वो कंपोनेंट ले लिए हैं. इनके प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आई जे के, तो आई का कंपोनेंट वन है, तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और साथ में इस पर भी कैप है तो टू का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, क्या वन प्लस फोर हुआ, क्या ये रूट सिक्स हुआ, तो डी इतना आ गया, एफ और डी आ गया कि नहीं, बोलो. अच्छा, अब आगे की बात करो कि दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट कि दो वेक्टर अगर हमें पता चल चुके हैं, सो इसको थोड़ा ऐसे करें, ये एफ है और ये क्या है, ये क्या डी है, बोलो, और उस पर प्रोजेक्शन ले लो डी की ओर. तो ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, सही है, ये लिया कि नहीं प्रोजेक्शन, एफ कॉस थीटा. अच्छा ये बताओ कॉस थीटा क्या होगा, क्या कॉस थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनियस, बोलो, यही चीज़ तो होती है कि नहीं. यानी अगर हम क्या करें कि सो एफ और डी हम इनके बेस बाई हाइपोटेनियस निकाल लें तो ये एंगल आ जाएंगे. हाउएवर एक तो ये चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें बताएं. एफ और डी आपको निकाल कर दे दिया है, अब लेट अस सी समथिंग मोर, कुछ चीज़ें और भी देखी जाएं कि अगर मैं आई डॉट आई करूं, आई डॉट आई का मतलब क्या है, क्या मॉड आई और कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है बताओ,
ए बी कॉस थीटा होता है, अभी अभी ये चीज़ हमने देखी थी ना, ए डॉट बी क्या होता है, क्या ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई आई कॉस थीटा, उनके मॉडुलस ले लिए। इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी, वही तो ए बी हुआ कि नहीं, बोलो। तो आई का मॉड क्या वन हुआ, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, और वन और दो अगर आई और आई वेक्टर हो तो क्या वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों यूनिट वेक्टर तो उनके बीच एंगल क्या होगा, क्या कॉस जीरो, तो आई डॉट आई कितना हो गया, बोलो आई डॉट आई दैट इज वन इंटू वन, और यहां से भी वन आ जाएगा तो वन हो गया। इसी तरीके से जे डॉट जे क्या हुआ, बोलो, जैसे आई डॉट आई है यहाँ है, और जे अगर जे है तो जे एक तरफ होगा कि नहीं, वो भी तो वन होगा, तो जे डॉट जे क्या हुआ, दैट इज मॉड जे, मॉड जे और कॉस कॉस जीरो डिग्री, तो क्या ये वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन नहीं हुआ, अब ये डॉट नहीं रहेगा, ये सब इंटू हो जाएंगे, सो इट इज़ वन हो जाएगा। और के डॉट के क्या हो जाएगा, बोलो के डॉट के भी वन हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए कि इतनी बात आ गई, अगर मेरे पास ए वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, अभी ऊपर की चीज़ बची हुई है, अभी हमें इसमें कॉस थीटा मिल जाएगा तो हम कर देंगे, हम कॉस थीटा के लिए काम कर रहे हैं। सो अब देखो ये कहा जा सकता है, और बी वेक्टर क्या है, क्या बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के, कितनी बात हो गई। अब हमें इनका क्या करना है, वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट, तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है। ओके एक दो चीज और आपसे पूछनी है कि आई डॉट जे क्या होगा, क्या ये आई वेक्टर का मॉड और जे वेक्टर का मॉड और कॉस 90 लिख दें, आई और जे के बीच कितना एंगल होता है, ये आपस में ऑर्थोगोनल है तो इनके बीच कितना एंगल होता है, 90, तो वो जीरो हो जाएगा। बताओ जे डॉट के क्या होगा, क्या वो भी जीरो हो जाएगा, और आई डॉट के क्या होगा, क्या वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सब तो 90 होते हैं ना, बोलो आई से जे और जे के। तो अब हम ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए आप ऐसा लिखिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के और डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। जब कोई भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनका स्केलर बाहर रह जाता है, मान लीजिए कि ये आई और आई का डॉट होगा लेकिन उसके साथ जो उसकी वैल्यू है वो बाहर रह जाएगी। जैसे मैं अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं, पहले ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट लूं किसमें, पहले का पूरे में फिर दूसरे का पूरे में और तीसरे का पूरे में, तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे, दैट इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। ये इसका डॉट लिया, ये डॉट लगा है, अब इसका डॉट लो ए वाई जे और डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के, और फिर तीसरे वाले का भी डॉट लो, तो यहाँ डॉट लगा दो, सो बी एक्स आई बी वाई जे हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट लो, तो डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स
ए एक्स बी एक्स को पहले लिख लो, वैसे ऐसे लिखना चाहिए कि ए एक्स आई डॉट बी एक्स जे, लेकिन स्केलर पहले आ जाते हैं, ए एक्स बी एक्स को निकाल लो स्केलर हैं, और प्रोडक्ट असली चीज़ों का करो, क्योंकि वेक्टर का ही तो प्रोडक्ट करोगी तो आई डॉट आई नहीं कर दोगी, स्केलर स्केलर इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, स्केलर स्केलर बाहर कर लिया, कॉमन ने तो बाहर कर लिया, बाकी प्रोडक्ट किसका होता है बताओ, डॉट का होगा कि नहीं। अब इसका इसमें करो, अच्छा आई का डॉट जे करोगी तो क्या हो जाएगा? वैनिश कर जाएगा कि सर्वाइव? ये भी मिट जाएगा। इसका करो जरा, ए वाई जे का करोगी तो क्या होगा? ए वाई बी एक्स, और जे डॉट आई क्या वो भी वैनिश कर जाएगा कि सर्वाइव करेगा? क्योंकि 90 डिग्री तो तब भी होगा ना, और जे डॉट जे करो प्लस और मल्टी, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? दैट इज ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ये बच जाएगा, और प्लस ए वाई बी बी वाई और बी जेड और जे डॉट के, ये चला जाएगा। तीसरे पे आओ तो ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स तो के डॉट आई, और साथ में क्या हुआ बताओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या ए जेड बी वाई और के डॉट जे, और साथ में इसका इसमें करो तो के डॉट के, अच्छा ये वन हो जाएगा। आई डॉट आई ऊपर देखा कि नहीं बने, देखो आई डॉट आई क्या है और जे डॉट जे क्या है और के डॉट के क्या है, वन। तो इस तरीके से ये बच जाएगा, और ये सब तो चले जाएंगे, आई डॉट जे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये बच जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि जे डॉट के में 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी बताओ, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड फिर कॉस 90, सभी वेक्टर तो ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम है, एक आई वेक्टर, एक जे वेक्टर और के वेक्टर, तो आई जे और के ये सभी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, इनके सबके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, सभी तो मिट जाएंगे और सिर्फ अपनी की तरफ ही रह जाएगा, ये भी मिटा, ये भी मिटा, ये भी मिटा, ये रहा। तो ज़रा देखो इसे क्या लिख लिया जाए, क्या इसे ए एक्स बी एक्स इंटू वन लिख लिया जाए, बोलो, और प्लस ज़ीरो और प्लस ज़ीरो और प्लस ज़ीरो, आगे बढ़ो, क्या इसे ए वाई बी वाई इंटू वन लिख लिया जाए, और आगे बढ़ो तो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ए जेड बी जेड इंटू वन लिख लिया जाए, बताओ यहाँ तक समझ में आई बात? तो क्या इसे ए एक्स बी एक्स लिख लें, और इसे ए वाई बी वाई लिख लें, और इसे ए जेड बी जेड लिख लें। सो स्केलर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली द कंपोनेंट्स, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किसका सम है? टू वेक्टर्स इज सम ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन, बोलो। अच्छा अब देखो कि अगर हमसे ये कहा जाए कि a डॉट b निकालो,
तो ए डॉट बी के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी के लिए हमको क्या कर लेना चाहिए कि ए एक्स डॉट बी एक्स कर लेना चाहिए। तो इसको मतलब है कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के कर लेना चाहिए, ये तो करना चाहिए। और दूसरे में इसके साथ डॉट का ले लेना चाहिए, बी एक्स आई और प्लस बी वाई जे और फिर क्या कर लेना चाहिए, बी जेड के और फिर ए एक्स का बी एक्स के साथ, इसका इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी छोड़ दें क्योंकि वो तो बचने वाले नहीं हैं। और इसे क्या ए बी कॉस थीटा लिख लें, बोलो और इसे ए जेड बी जेड लिख लें। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूं, क्या ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई करूं और प्लस ए जेड बी जेड करूं और नीचे क्या ए ए बी लिख दूं, बोलो क्योंकि ये बाई फॉर्म। लेकिन ए खुद क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, ए तो ए वेक्टर का मॉड है। तो क्या ये जो ए वेक्टर का मॉड है, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर होगा? और बी क्या है, क्या बी वेक्टर का मॉड है? सो बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस बी जेड स्क्वायर होगा, बोलो। फिर से देखो, ए और बी को क्या लिखा जा सकता है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। सो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हुआ कि ए एक्स बी एक्स, वो तो ऊपर से हमने मल्टीप्लाई करके दिखाई दिया आपको डिटेल्ड वर्जन, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे क्या लिखोगी, ए को क्या लिख सकती हो, क्या इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि कैसे निकालते हैं, पिछले चैप्टर में बताई थी आपको। और ये देखो बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस बी जेड स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। तो अगर दो वेक्टर के बीच में कॉस कंपोनेंट निकालना है तो ऐसे निकाला जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6.1 पे। एग्जांपल 6.1 पे आओ, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दिया है, 3i प्लस 4j और माइनस 5k, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया है, 5i प्लस 4j प्लस 3k। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। लेकिन ये बताओ f डॉट d को क्या लिख सकती हो, क्या एफ डॉट डी को ये लिख सकती हो, 3i प्लस 4j और माइनस 5k डॉट 5i प्लस 4j और प्लस 3k, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और क्या फिर हम उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ही मल्टीप्लाई करें क्योंकि बाकी वैनिश कर जाएंगे? तो 3 5 जा बताओ 15, 4 4 जा 16 और माइनस 5 इंटू 3 क्या करोगी, ये चीज़ कट गई। और क्या लेफ्ट में मैं एफ डी कॉस थीटा लिख दूँ, बोलो। तो फिर कॉस थीटा क्या हुआ, क्या 16 अपॉन एफ डी हुआ, बताओ। और लेकिन एफ क्या होता है, ये तो मॉडुलस वैल्यू है, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, यहीं से पिकअप कर लो, यही तो एफ है, यहीं से पिकअप करो। तो क्या लिखेंगे एफ को, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, और डी को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और प्लस
डी जेड स्क्वायर, तो उसे क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से देखो ऊपर जो चीज़ है 543, सो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इतने मीटर हो गया। तो एफ और डी समझ में आ गया, तो यहाँ लिखो 16/√50 × √50, बोलो सही है? बुक में भी देख लो, √50 × √50 लिखा है, तो क्या ये 16/50 हुआ कॉस थीटा? अब इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, लॉग टेबल से देख के थीटा बताओ। ये 0.32 और भी कुछ आ रहा है? हीट नहीं आ रहा है। अब 32 का जरा देखो वैल्यू, नेचुरल कोसाइन देखना, लॉगरिदमिक कोसाइन ना देख लेना। बताइए, तो थीटा इज इक्वल टू 70.8 डिग्री। अब आगे की बात करो। नाउ हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में और कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ उसी पेज में, यहाँ पढ़ो ये वाला पैराग्राफ। सो वी विल रीड दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? स्केलर, ये हमारा आंसर हो गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि ए डॉट बी, ए डॉट बी इस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, दैट इज बी कॉस थीटा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी ट्रू है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसा वो लिख रहा है अल्टरनेटली तो लिखा ही है ना, आगे पढ़ो बोलो। तो ये चीज हो गई। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं ए डॉट बी करूं तो क्या वो बी डॉट ए आएगा कि नहीं आ सकता है? ठीक है, सो जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
बोलो आएगा कि नहीं आएगा। वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव, क्योंकि इससे क्या चीज़ आएगी, अगर मैं ए की भी वैल्यू रखूं एलएचएस में तो ए एक्स बी एक्स आएगा, क्या चीज़ आ जाएगी बताओ, क्या ए एक्स बी एक्स नहीं आएगा, और ए वाई बी वाई नहीं आएगा, और ए जेड बी जेड आएगा, और राइट हैंड साइड में करोगी तब क्या आएगा बताओ, बी एक्स ए एक्स और प्लस बी वाई ए वाई और बी जेड ए जेड, क्या दोनों सेम नहीं है, है या नहीं, है बात कि नहीं, चाहे ए एक्स बी एक्स लिखो चाहे बी एक्स ए एक्स, फर्क है क्या, बोथ आर सेम। पहली बात, अगर पहली प्रॉपर्टी बता दी कम्यूटेटिव है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी, या तो पहले जोड़ के प्रोडक्ट कर लो कि भाई पहले 2 मीटर चला था फिर 3 मीटर चला, तो पहले ऐड कर लो दोनों को, ऐड करने के बाद फिर आप ये कर लो, ठीक है, और प्लस ए डॉट सी, यानी पहले में मल्टीप्लाई और फिर दूसरे में मल्टीप्लाई, ठीक है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस जिस ऐड तो करना जानती हो तो ऐड पहले कर लेना, और नहीं तो बाद में ऐसे कर लेना, दोनों की वैल्यू आएगी, ये आएगा 10 जूल ये 10 जूल, तो जो भी आएगा वो जूल, अगर आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है तो जूल में आ जाएगा, फिर 10 जूल 10 जूल को 20 जूल कर लेना। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लीकेशन है लिखो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ठीक है, इज ओबेड, ये जो चीज है होल्ड्स गुड, होल्ड्स गुड फॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो तीसरी चीज क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वेक्टर में कभी कोई स्केलर बीच में फंस जाए, जैसे ए वेक्टर और डॉट लेमडा बी वेक्टर, तो ये लेमडा सबसे पहले आ जाएगा, लेमडा और ए डॉट बी, यानी लैम्डा का कोई इशू नहीं है, कोई भी वैल्यू है, जैसे किसी फोर्स में कुछ कॉमन हो उसे आप बाहर निकाल सकती हो, जैसे एफ इज इक्वल टू 5i + 10j और +15k, तो आपको लगता है कि यहाँ पे 5 अननेसेसरी हमारी वैल्यू बढ़ा रहा है, तो आप एफ वेक्टर में इसे 5 कॉमन निकाल सकती हो और इसे i + 2j और +3k लिख सकती हो, और जब डी से इसको मल्टीप्लाई करना तो 5 को सबसे बाहर निकाल लेना, और जैसे ये डी वेक्टर है i - j और +2k, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एफ और डी का, तो 5 सबसे बाहर आ जाएगा, तो किसी के साथ अगर कोई लेमडा है तो उसका इशू नहीं, सबसे बाहर लेके फिर एफ डॉट डी कर लो, है बात कि नहीं। या फिर लेमडा ए है तो भी कोई इशू नहीं है, तो इसे लैम्डा ए भी करा जा सकता है, अगर दोनों के साथ भी कंपोनेंट है तो भी कोई इशू नहीं है, लैम्डा ए है और म्यू बी है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट बाहर लो, ऐसा हमने लिया भी है और फिर आई डॉट ए किया है, तो लैम्डा म्यू बाहर ले लो और ए डॉट बी, ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पर अगर इफ ए डॉट बी इज जीरो देन 3 कंडीशंस अराइजेस, देन 3 कंडीशंस अराइजेस,
पहला ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए बी कॉस थीटा जीरो है क्या? तो पहला आइदर मॉड ए वेक्टर इज जीरो, सेकंड क्या होगा, और मॉड बी वेक्टर इज जीरो। भाई कोई ना कोई तो जीरो होगा ना, इन तीन चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो मॉड बी वेक्टर क्या हो, जीरो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए और बी अगर परपेंडिकुलर हुए तो थीटा कितना हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ? जीरो। तो या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में उनका जीरो हो जाएगा सम। जरा ये देखो कि वेक्टर परपेंडिकुलर हो, अगर कोई फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है इस पर, और ये चीज़ इधर भागी चली जा रही है, तो क्या ये माना जाएगा कि मेरे फोर्स के द्वारा एक विस्थापन किया गया है? इज कैन बी टेकन एज ग्रांटेड दैट माई फोर्स इज डूइंग सम वर्क, कि नहीं? बोलो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ तो उससे कुछ थोड़ी ना होगा। मान लीजिए कि ये बस है और बस को आगे जाना है, ये बस है और इसको इधर जाना है, तो बहुत सारे लोग इधर से धक्का दे रहे हैं कि भाई बस नहीं चल रही है, और एक लड़का इधर से धक्का दे रहा है, तो बताओ क्या उसे ये मान लेना चाहिए कि वही बस चला रहा है, धक्का दे रहा है कि नहीं? थोड़ा तेज बोलोगे तो बात, ये इसकी इस फोर्स की वजह से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कि नहीं? क्योंकि ये फोर्स जो है, नो कंपोनेंट ऑफ एनी फोर्स सर्वाइव परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि किसी भी फोर्स का किसी भी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता, ये कंपोनेंट होता है, वो कॉस थीटा होता है। भाई आप ये देख लो कि एक ये है और इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या हुआ, अगर मान लो ये 10 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट क्या हुआ, एफ कॉस 10। सबसे अच्छा होता कि 0 डिग्री रहता और बढ़ा दो, तो अब इसका क्या कंपोनेंट होगा, अब और छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन लेते हैं ना, छोटा नहीं होता जाएगा। और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा छोटा नहीं हो जाता है, और कॉस 90 तक जाते जाते क्या वो 0 नहीं हो जाता है? सो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? कॉस थीटा चेंजेस फ्रॉम 1 to 0 एज थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ये तो बात सही है कि नहीं? 90 तक अगर पहुंच गई तो क्या उसका कोई भी कंपोनेंट इधर निकलेगा? होगा ही नहीं, यहाँ तो प्रोजेक्शन, इसकी छाया पड़ेगी अगर तुम्हारे सर के ऊपर सूर्य खड़ा है। बोलो, तो ये मान लीजिए मैंने 50 डिग्री रखा, तो ये एफ कॉस 50 है। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर डज नॉट सर्वाइव, उसके परपेंडिकुलर तो नहीं लिया जा सकता है कोई भी वेक्टर, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। अगर हमारे पास ये कहा गया है कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी इफ वर्क डन, तो ये जो चीज़ है वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन, वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन इज जीरो। कब जीरो होगा, वर्क डन के जीरो होने के केस क्या क्या हैं? इफ आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या तो फोर्स लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, या तो डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, जैसे कि इंटरस्टेलर स्पेस में कोई प्लेनेट मूव करता ही चला जा रहा है और आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स नहीं लगाओगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया से तो चीज़ चलती चली जाएगी, उसके पास पहले से मोशन था, मोमेंटम था, तो चलता चला जा रहा है, और आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पर कोई वर्क नहीं होगा। फोर्स तो किसी न किसी ड्रैग फोर्स या किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही लगाया जा सकता है, और जहाँ पर कोई दूसरे फोर्सेज एग्जिस्ट ना करते हो तो आपके फोर्स का क्या मीनिंग है? तो
अब जरा देखो कि वैसे तो अगर कुछ भी ना हो आप फोर्स लगाओगे तब भी चीज़ें एक्सीलरेट करेंगी ही, ऐसे इंटरस्टेलर स्पेस में भी धक्का दे दो तो चल जाएगी, एक्सीलरेट भी करेगी। अब ये देखो तो ये कब जीरो होगा, इफ आइदर ये जीरो हो और ये जीरो हो और एफ एंड डी आर क्या हो बताओ, बोलो। सही है। तो ये तीन केस हैं वर्क डन के जीरो होने के। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को खींचना चाहें, चीज़ उधर चली जाए, मान लो एक बच्चा इस ट्रॉली को ऊपर खींच रहा है लेकिन ये ट्रॉली इसका कहना नहीं मान रही है, वो बार बार इस पर फोर्स लगा रहा है और खींचता जा रहा है, तो इसके खींचने से कुछ हो नहीं रहा है अपने, ठीक है, ये फोर्स तो बहुत लगा रहा है कि मेरी तरफ ये ट्रॉली आ जाए लेकिन ये ट्रॉली इसका कहना नहीं मान रही है, ये एक तरीके से पहाड़ है और ये नीचे खिसकती चली जा रही है, उसका फोर्स इधर है। तो ऐसे केस में क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 180 डिग्री पर हैं? चेक कर लो, यानी फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कितना एंगल बनता है? अच्छा तो ऐसे केस में ये 180 डिग्री बन गया, तो एफ जो वर्क डन है वो एफ डॉट डी है, या इसे एफ डी कॉस थीटा भी कहा जा सकता है, और या ये इसे ये भी कहा जा सकता है कि एफ डी कॉस 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज क्या निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एफ डी। तो वर्क डन कब निगेटिव होगा बताओ, वन एट्टी नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते ही एफ निगेटिव हो जाता है ना, अगर 91 भी पहुंचा तो क्या, बोलो 90 के अबव नहीं निगेटिव हो जाता है, बोलो। सो वर्क डन इज निगेटिव इफ कॉस थीटा एक्सीड्स 90 डिग्री, इफ थीटा एक्सीड्स 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 90 से 180 तक कॉस निगेटिव रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो आप पढ़ चुकी है ना। तो एक हमने बताया वर्क डन इज जीरो बता दिया पीछे, अब क्या बताने जा रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और वर्क डन निगेटिव कब होगा। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ एफ इज नॉन जीरो, डी इज नॉन जीरो एंड थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच हो, बोलो, क्या वो 0 से 90 हो, ठीक है, और 90 ना हो, 0 हो तो सबसे अच्छा, हम उधर ही क्यों ना फोर्स लगाएं जिधर क्यों डिस्प्लेस करना है, हम इधर उधर क्यों लगाएं बताओ। अच्छा ये तो समझ में आ गई आपको, बिकॉज कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थर्ड थर्ड में वर्क डन इज निगेटिव, वर्क डन इज निगेटिव यदि ये दोनों जीरो ना हो, एफ भी जीरो ना हो, डी भी जीरो ना हो, एन थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, 90 डिग्री तो नहीं हो, 90 पे तो जीरो का केस बनता है, 90 डिग्री से नहीं होना है, 180 तक जा सकता है। एज कॉस थीटा इज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये ऑर्डिनल नंबर है इसलिए इसमें एस टी ना लगाया जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो ऐसा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, जैसे कॉस 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, क्या 120 डिग्री को कॉस 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है, और इसे फिर माइनस कॉस 60 ले लेना चाहिए, यानी कभी भी कॉस 180 माइनस थीटा अगर आपका एक्सीड कर जाए तो इट इज़ माइनस 1/2, सो कॉस
माइनस थीटा, वैसे ये थीटा किसी के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि फार्मूला है इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो कभी भी अगर एक्सीड करे तो ये फार्मूला लगा लेना चाहिए और वहाँ पर हम वर्क डन निगेटिव पा सकते हैं। सिंपल में तो हमें वैल्यू पता ही होती है, तो ज़्यादा में वैसे सबके लिए एप्लीकेबल है, थीटा 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, ये तो फार्मूला है तो एप्लीकेबल है ही है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अभी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें तो आपको पता चल चुकी है ना कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें करें। नाउ ओके, एक्सरसाइजेज में आइए, थोड़ा सा और बताना है तब हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, 6.1। द साइन ऑफ वर्क डन बाई फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली। तो वर्क डन बाई ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाई मीन्स ऑफ रोड टाइट, अगर वो बकेट ऊपर खींच रहा है किसी वेल से तो उसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर टेंशन फोर्स लगाई जा रही है और टेंशन उसके इक्वल है। ये जैसे पुली है, पुली बंधी है, तो ये है और ये है और ये बकेट खींची जा रही है, तो ये जो बकेट खींची जा रही है किसी वेल से तो इसमें कई चीज़ें हैं। आप कहोगे कि ये कैसा फोर्स लगा रहा है, और देखो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है और फोर्स इधर है, तो कुछ आपके मन में ये बात आ सकती है कि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की ओर बॉडी जा रही है, तो ये और ये तो 90 से ऊपर हो गया, आपके मन में ये बात आ सकती है ना कि फोर्स तो इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ये हमें पॉजिटिव बोलना पड़ रहा है, ये कैसी बात है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? बोलो। लेकिन यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए कि ये इसके टेंशन है, और टेंशन पुली में क्या होता है, पूरी तरीके से डिसिमिनेट होती है कि नहीं? तो जो एफ फोर्स है वो किसके इक्वल है, क्या वही टेंशन फोर्स के इक्वल है? टेंशन, तो ये जो एफ फोर्स है वो टेंशन फोर्स के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ले लें, और ये टेंशन है तो इसलिए एफ इज इक्वल टू टी, और टी ही इसे खींच रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट, वो बात अलग है कि फोर्स का कोई कंपोनेंट खींच रहा है, बट यहाँ पर ये तो सीधे सीधे है, एफ इज टेंशन और टेंशन, तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि दिस इज रॉन्ग टू थिंक, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट पर उसी के फोर्सेस लें ना कि बाहर वाले, तो हम इसे क्या लें, इसको एक अलग से, जैसे हमने पीछे पढ़ लिया था कि हम उसी का वेक्टर लें और उसी का डायग्राम माने, जैसे पिछले चैप्टर में क्या था कि लास्ट पेज पर, जो असेंबली है वी शुड टेक कन्वीनियंट पार्ट ऑफ असेंबली एंड ड्रॉ ए सेपरेट डायग्राम टू नो वॉट, इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, इसे कहते हैं इसका सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो, और उस डायग्राम को क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। पेज नंबर 108 में लिखा है कि इस तरीके के डायग्राम को क्या कहा जाता है, जरा ये देखो क्या लिखा है, फ्री बॉडी डायग्राम, कहीं दिखने में आ रहा है, नहीं तो मैं अंडरलाइन कर लूँ कि उसका सेपरेट डायग्राम, डू नॉट इनपुट, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्रॉ ए सेपरेट डायग्राम, एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लें किसी एक पर्टिकुलर असेंबली, एक असेंबली लो पार्ट ऑफ असेंबली, फिर उसका सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो, और फिर उसका नाम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, डू नॉट इंक्लूड द फोर्सेज ऑन द इन्वायरमेंट बाई द सिस्टम, उसे सिस्टम मानो, वो जिस पर फोर्स लगा रहा है वो मत देखो, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो देखो। समझ में आई बात है ना, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है वो भी किसी पे लगा रहा होगा, वो मत देखो, सो वॉट एवर आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ओनली इंक्लूड दैट। ओके, ठीक है, हो सकता है पिछली बार हमने रिएक्शन फोर्स लिया था तभी गड़बड़ हुई थी, हमने एन एन भी ले लिया था, तो वो ये कह रहा है कि एन को नहीं लेना है, वो जो पिछला क्वेश्चन हमारा फंस गया था ना, तो ये कह रहा है कि वो जो फोर्स लगा है वो मत देखो और उस पर जो फोर्स लगे वो देखो। तो अब हम फिर से देखें, तो बताओ पहले वाले केस में क्या आप कंक्लूड करती हो, क्या ये कैसा होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव?
बताओ। अगला देखो, अगला आंसर, पहला का पॉजिटिव, तो अगला क्या कह रहा है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द अबव केस। ग्रेविटी नीचे फोर्स कर रही है और चीज ऊपर जा रही है। अच्छा बताया आपने तो। अच्छा थर्ड देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई चीज खिसक रही है तो फ्रिक्शन उस पर क्या काम करेगा? ये नीचे जा रही है, फ्रिक्शन इधर कर रहा है। नेक्स्ट अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी ऑन ए मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर लें और वो ऐसे रफ सरफेस पे जा रही है, तो फोर्स आप अप्लाई करो और वो चलती चले, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, तो आप उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो उसकी फ्रिक्शन को काउंटर कर सके। तो कोई बात नहीं, हम फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स अप्लाई करें, लेकिन हमने उसको एक हमने उसको स्पीड दे दी है, अब फर्दर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एफ पे लग रहा है, उतना ही हम फोर्स लगा रहे हैं, तो भी तो फोर्स तो लग रहा है ना, किसी के अगेंस्ट में लगे, हमारा फोर्स डिसिपेटिव है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा वर्क फोर्स जो है वो वर्क डन क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं, वर्क डन क्रिएट होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जो भी वो हमारा वर्क डन होगा वो खो जाएगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। लेकिन ये बताओ जो हमारा फोर्स है वो उससे वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अगला बताओ। हमने रोमन नंबर डाल दिया, उसमें ए बी सी डी था, चलो कोई बात नहीं। अगला बताओ, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम। ये ठीक है, निगेटिव हो गया। ओके इतना ही रखिए, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।